और वो हमें व्हाइट वाइटवॉश से बचाएंगे शाबाश खेला चैंपियंस का सफाद ने मेंटोर था एक दिन आए खेलने उनके जो वेट क्रेडिट्स डू इट्स डू चैंपियंस हम उसकी बात नहीं करेंगे मेंटोर थे खेलने के लिए आए पांच रन बनाए चले गए पाकिस्तान क्रिकेट के अगले चैलेंज इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी स्कॉट का हो गया है ऐलान सीरीज के पहले टेस्ट के लिए जो स्कॉट बना है वो कमोबेश बेश वो ही है जो बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हुआ था याद है ना नॉट टू लॉन्ग अगो और वही कप्तान है वही नायब कप्तान है फिर बाबर रजवाज सीनियर और सब कुछ है और खुरम शजाद इंजर्ड थे तो बाहर हैं आमिर जमाल वापस आ गए

एंड इफ यू कांट एंड देन गेट रेडी फॉर अनदर व्हाइट बांग्लादेश के हाथों दो टेस्ट मैचेस में जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपनी लेजेंड से भरपूर एक टेस्ट टीम का ऐलान किया है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर और हमने कुछ नहीं सीखा नुमान अली 40 साल की उम्र में हम अपने टेस्ट के एक स्पिनर को वापस लाए हैं जिसको

तीन जीरो वो आराम से कर देंगे क्योंकि अगर ये टीम, तो टीम आप आप अठतीस साल नुमान अली की तरफ कोई नहीं है इससे बड़ी बड़ी उम्र के खिलाड़ी खेलते रहे लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने एक साल पहले अपना लॉन्गर वर्जन का मैच खेला था जिसमें उनकी शायद एक विकेट थी

तीन टेस्ट मैचेस की तो अवाले से तो मैच खेल के हार गई हम उसके हाथों दो टेस्ट मैच में बुरी तरह हम मार खा गए और अब हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो के बांग्लादेश से के मुकाबले में कहीं बड़ी टीम है कहीं उससे ज्यादा मजबूत टीम है उसके सामने हम वही स्क्वाड मैदान में उतारने जा रहे हैं जिस स्क्वाड ने हमें बांग्लादेश के हाथों रुसवा करवाया हम क्या फैसले करते हैं क्या हमने अपनी क्रिकेट को बड़ा मकाम दिलाना है बजाय कि हम आगे बढ़े हम तो उल्टे कदमों के पर पीछे की तरफ चल रहे हैं ये जो आखिरी दो नाम है सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी क्या पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर जस्टिफाई करते हैं पहले सरफराज पर आ जाते हैं चले शहीन के बारे में हम ये कहते हैं कि जनाब हमारा बड़ा बॉलर है तो नाम का बड़ा बॉलर है मैचेस तो हमें जितवा नहीं रहा है सरफराज अहमद के ऊपर आ जाए कभी वो आपका मैंटोर होता है कभी वो आपका लेजेंड बन जाता है अभी पाकिस्तान कप हुआ है सरफराज की परफॉर्मेंस कहीं पर थी तमाम मैच खेला क्या सरफराज ने कर लिया

स्क्वाड से रिलीज भी हो गए <laughs> आप ये हिंट दे रहे हैं कि जो शाहीन नसीम खुरम पहली अनफिट है आमिर जमाल ही वापस आए हैं क्या आपको कोई मीर हमजा शायद एक सीजन परफॉर्मर है लेकिन वो भी थोड़ा मुझे लगता है आई एम सॉरी टू से बट बटा मुझे लगता है एज की रॉन्ग साइड पे वाते जा रहे हैं वो यंग तो नहीं है तो क्या हमारे पास कोई सुपर फिट फास्ट बॉलर नहीं है तो क्या मोहम्मद असनाय जिसने विकटों के ढेर लगाए हैं कल भी बड़ा अच्छा स्पेल किया हम उसको ट्राई आउट कर सकते थे मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ नहीं, नहीं आप उसको कैसे ट्राई आउट कर सकते हैं मुझे okay. बताएं ना तो थोड़ा मजाक ये मैच के खेले तो उसको किस तरीके से ट्राई आउट करेंगे आपका स्वाह मीर की कोई बॉलर नहीं है चार मैच आ, द, दस के बारह मैच आपके शाही फ्री ने बस क्लास के खेले हुए हैं सात आठ मैच आपके नसीम शाह ने खेले हुए हैं तो ये तो एक फलूक पे सिस्टम चला रहे हैं ना कि अगर लग गया तो चल गया तो ठीक है ये टीम कोई सही नजर नहीं आ रही जो टीम इन्होंने बनाई है कि आपको 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 एक कल की जो आपसे नीचे टीम थी उसने आके हरा दिया आपके घर के अंदर घुस के उसके बावजूद आपने टीम में चेंजेस करना गवारा नहीं समझा उसके बावजूद इवन के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर कहा कि शाहीन और नसीम को हम लोग इस वजह से नहीं खिला रहे क्योंकि इनको वर्किंग की जरूरत है जब ये अच्छी तरह वर्किंग करके कर आएंगे स्ट्रॉन्ग कम कर बैक करके आएंगे फिर टीम के अंदर रखेंगे चैंपियंस कप के अंदर दोनों के दोनों फ्लॉप रहे शाहीन और नसीम लेकिन अभी भी अगर आप पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को देखें जिसके अंदर नसीम शाह शाहीन अफरीदी मीर आमिर जमाल ये आपको नजर आएंगे वो बॉलर की तरह के जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे सवाल मेरा सिर्फ ये है कि चैंपियंस कप का रोल क्या था इसके दरमियान के अंदर दूसरे मुल्क होते हैं वो टेस्ट सीरीज से पहले चार रोजा मैचेस तो हाँ, करवाया करते हाँ, हैं फोर डेस्ट मैच करवाया इंग्लैंड के दरमियान जो तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज था सात तरीक से आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया अभी से डर रहा है कि पाकिस्तान कहीं इंग्लैंड के हाथों भी वाइट वाश ना हो जाए जिस तरह बांग्लादेश के हाथों हुआ है बहुत ही बुरी और ख़राब परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान की वैसी ही परफॉर्मेंस नज़र आने के चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान के पंद्रह रुकनी स्क्वाड में से आठ ऐसे प्लेयर हैं जिनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पी में इशू आया हुआ है पी सी बी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी दिखाई दे रहा है प्लेयरों पर भी और कोचिंग स्टाफ पर भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम को कौन वाइट वाच से बचा सकता है कुछ चेहरे हैं जो बचा सकते हैं जिनमें बाबर अजम है वो आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर चल रहे हैं लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर हैं वो काम कर सकते हैं मोहम्मद रिजवान बचा सकते हैं वो भी अच्छे प्लेयर हैं अलबत् फिटनेस टेस्ट उनका भी क्लियर नहीं हुआ था तो इस लिहाज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर प्लेयरों का ऐसा चांस है कि वो पाकिस्तान को बचा भी सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा इस बात को हाई रेट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के हाथों भी वाइट वाश होने जा रहा है तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम की कैसी परफॉर्मेंस हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीन टेस्ट मैचेस में दिख दिखती है दोनों टीमें मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं दो दिन बाद जो है वो टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा